हुआ क्या, कल जब शाम को जब मैं घर से नहाकर बाहर निकला था तब मैंने एक लड़की को देखा। एंड उस लड़की को देखने के बाद मुझे पता चला कि गाइज ये लड़की जो है इसको ढूंढना चाहिए। एंड उस लड़की को ढूंढने के लिए गाइज मैं इंस्टाग्राम पर गया। एंड इंस्टाग्राम पर जाते ही मैंने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब वो लड़की तो मिली नहीं, लेकिन उस लड़की की तस्वीर मेरे दिल पर छप गई थी। एंड उसके चक्कर में कितने बार मैंने सेट भी लगा लिया, अब समझ रहे होंगे कौन सा सेट। तो उसी के चक्कर में गाइज जब मैं इंस्टाग्राम पर भटक रहा था तो मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मीम्स वगैरह ऊपर आ रहे हैं। तो उसी के चक्कर में जब मैं इंस्टाग्राम मीम्स देख रहा था तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना गाइज अपना जो आईडी, जो इंस्टाग्राम ने जो आईडी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी उसको खोल कर देखा जाए। तो मैंने जैसे ही उसको खोला, उसके बाद जब वो आईडी इंस्टाग्राम की आईडी जो खुली, उसके बाद जो मुझे खुशी हुई वो लड़की के मिलने के बाद भी खुशी उससे ज़्यादा थी। तो फिर आओ यार बिना किसी बकचोदी के अभी हम गाइज फिलहाल अपने कलेक्शन वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं हमारे कलेक्शन वीडियो। तो गाइज ये कलेक्शन वीडियो का हमारा पार्ट वन होने वाला है, जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं। एंड इस पार्ट वन में गाइज आप हमारे वॉल्ट का कलेक्शन देखोगे कॉस्ट्यूम के। एंड अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए, इसमें गन कलेक्शन होंगे, तो इस पर गाइज आपको 55 लाइक्स करने होंगे। चलिए अभी देखते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम इन आवर चैनल डी एक्स गेमिंग। एंड गाइज फाइनली यहाँ पर गाइज वो घड़ी आ चुकी है जब हम गाइज अपनी जो आईडी है, जो गाइज यहाँ पर दो महीने पहले मेरी चले गई थी, जैसे कि आपको पता होगा कि मेरी जो आईडी थी वो दो महीने पहले चले गई थी, लॉग आउट हो गई थी मेरे गेम से। एंड इंस्टाग्राम के कुछ एक्टिविटी की वजह से मेरी आईडी चले गई थी, वो वापस आ चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया था इन रिसेंट वीडियोज़ में। एंड यहाँ पर गाइज अब हम क्या करने वाले, आपको पता होगा कि मैंने वादा किया था आपसे कि 70 लेवल पर गाइज मैं अपना कलेक्शन वीडियो आपको दिखाऊंगा। एंड मैं नहीं दिखा पाया था गाइज, मतलब बहुत टाइम से डिले कर रहा था मैं। एंड एट द लास्ट आपको पता होगा कि मेरी आईडी चले गई। लेकिन यहाँ पर बिना किसी देरी के अब हम अपने कलेक्शन वीडियो को आपके सामने रखेंगे एंड दिखाएंगे कि हमारे पास क्या क्या है कलेक्शन में मौजूद। तो चलिए यहाँ पर से शुरू करते हैं हमारे कलेक्शन वीडियो के स्टार्टिंग के साथ। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ वॉल्ट वाले सेक्शन पे। जी हाँ गाइस, वॉल्ट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पर से मैं पहले अपने हेयर के कलेक्शन दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वन बाय वन में पहन के हेयर के कलेक्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर कोबरा वाला हेयर। देन गाइस ये किसी इवेंट में आया था गाइस, मैकेनिकल टॉक्सिपॉन। जी हाँ गाइस, काफ़ी बढ़िया नाम है भाई। एंड देन इसके बाद ये देख सकते हो मर्सिलस नेक्रोमेंसर। एंड देन ये वाली डायमंड रॉयल में आई थी जैसे कि आपको पता होगा। एंड ये अपनी लाइफ पास की हो गई। फिर गाइज ये वाली एयर स्पीड, हाँ जी गाइज वो जो बंडल आई थी इवेंट वगैरह इसमें है, ये फेटेड व्हील की, ये डायमंड रॉयल की, ये गाइज अपने इवेंट की। एंड ये तो सबको पता होगा डायमंड रॉयल में ये बंडल आई थी जिसका गाइज। एंड उसके बाद ये गाइज इवेंट वाली। एंड ये लाइट पास में बॉक्सेस से, ये भी मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल डायमंड रॉयल की, ये लाइट पास वगैरह की, ये इवेंट का बंडल था भाई, वो वैनम के टाइप में जो इवेंट चल रहा था उस टाइम का ये बंडल का हेयर है। एंड उसके बाद ये इलाइट पास वगैरह की बाल है। एंड ये इवेंट वाले बंडल का बाल। देन उसके बाद ये भी इवेंट वाले बंडल का। एंड ये तो आपको पता ही होगा। एंड ये जो जिसको नहीं पता गाइज वो गाइज जाओ पोगो देखो, आपको सबको पता होगा गाइज आप में से सब में। एंड उसके बाद गाइज ये वाला बंडल जो हमें इवेंट में मैंने निकाला था। देन गाइज ये वाला बंडल जो मैंने इवेंट में निकाला था गाइज, आपको बता दूँ ये वाला जो बाल था यानी इसका जो बंडल था वो मुझे गाइज अंडर 100 डायमंड मिल चुका था गाइस। मेरा पहला कोई इवेंट था जिसमें मेरे को बंडल इतने सस्ते में मिला होगा गाइस। एंड ये डायमंड रॉयल। फिर गाइस ये इवेंट का। एंड ये फ्री वाला, ये बनी वाला बंडल का बाल या गाइस दूसरे टाइप में जो बनी था हिपस्टर बनी उसका। एंड ये अपना इलाइट पास का। एंड ये जो बंडल थे गाइस, ये काफ़ी टाइम पहले ये रेयर हुआ करता था बंडल ये, बट जैसे ही गाइज ये बंडल इवेंट में रिटर्न आया उसके बाद से इसकी जो रेयरिटी थी वो गरीना ने ख़त्म कर दी। उसके बाद गाइज ये डायमंड रॉयल की बंडल आपके सामने। एंड ये वाला बंडल भी गाइज काफ़ी ज़्यादा रेयर था एक टाइम पर, बट इसका भी जो रेयरिटी है वो ख़त्म कर दी जैसे ही इसको मिस्ट्री शॉप में रिटर्न करवा। एंड इसको ये दोनों बाल भाई बहुत ज़्यादा फेमस है गाइज ये दोनों बंडल के बाल, द फ्रॉस्टेड ब्लू एंड द रेड शैडो गाइज। जी हाँ गाइज, ये दोनों बंडल जो है मैं आपको आगे दिखाऊंगा अपनी कलेक्शन, बट ये दोनों बाल काफ़ी ज़्यादा फेमस है गाइज। एंड ये हमारे अज्जू भाई का खोपड़ी, हमारे अज्जू भाई की खोपड़ी देख सकते हो आप। एंड उसके बाद ये फ्री लाइट पास वाली टोपी। एंड हमारे राइस स्टार चचा का बाल, जहाँ राइस स्टार का हेयर बहुत ही फेमस है, राइस स्टार के हेयर के नाम से ये। एंड ये स्कल डेविल हंटर वाला हेड खोपड़ी। एंड ये स्ट्रीट बॉय बंडल का हेड। एंड आर्टिक ब्लू बंडल वाला ये बाल। देन उसके बाद आई सी एच का ये हेड। ये वाला गाइस मैंने स्टोर से निकाला था जैसे कि आपको पता होगा, स्टोर से मैंने लिया था ये वाला। एंड ये गाइस मैजिक क्यूब के मेरा पहला बंडल है। जी गाइस मैजिक क्यूब का मेरा पहला बंडल वाला ये बाल है। एंड इसके बाद गाइस ये जो है
ये भी मैंने मैजिक क्यूब से निकाला था। एंड भाई साहब सबसे बड़ी रेयर चीज़ अपने इंडियन सर्वर में ये रही भाई, ये वाली है भाई सबसे ब्रेक डांसर। एंड इसके बाद ये गाइस आपको पता होगा इंक्यूबेटर, ये अपना फ्री वाला सिक्योर। एंड इसके बाद ये वाला गाइस इवेंट में आया था स्ट्रीट फाइटर इवेंट में, इस पे ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसका है फ्री में ही मिला था। एंड ये वाली ये वाला हेयर आपको पता होगा, ये जो मैंने टॉप पहना उसी के ऊपर का बंडल एम सी पॉइंट। एंड ये भी काफ़ी बढ़िया बंडल, काफ़ी बढ़िया हेयर था इसका। ये तो अपना फ्री वाला हो गया, ये गाइस काइजर के ऊपर कैलर के थीम पे। एंड ये एक और बनी वाली है खोपड़ी, ये फ्री वाली गोल्ड रॉयल वाली, ये अपने गाइज रैंक ओपन की। एंड ये इंक्यूबेटर से निकाली हुई थी, ये मैंने गाइज निकाला था यहाँ पर इवेंट में। एंड ये वाली फेडेड व्हील वाली, ये इवेंट की काफ़ी बढ़िया दिख रही है, देखो भाई काफ़ी बढ़िया। ये अपने इंक्यूबेटर का, ये फिर से मैंने स्टोर से लिया था समर हार्ट बंडल। एंड ये वाला आई डोंट नो, मुझे पता नहीं ये वाला कहाँ कहाँ था ये वाला बंडल। और हाँ बिल्कुल, ये गोल्ड रॉयल की, ये फ्री में मिली थी, ये इंक्यूबेटर वाली है गाइज। एंड ये इवेंट से निकाली थी मैंने, ये फेडेड व्हील की, ये इंक्यूबेटर की, ये फिर से फ्री में मिली थी। एंड ये भी फ्री में, और भाई ये देख तो भाई आपको डॉक्टर सैनिटी हेड भाई, काफ़ी बढ़िया काफ़ी रेयर बाल है अपने इंडियन सर्वर में ये भी। एंड अभी तक ये सारी चीज़ें करने ने रेयर रखी हुई है, काफ़ी बड़ी चीज़ है ये हमारे लिए है ओल्ड प्लेयर के लिए। एंड ये वाली गाइस आपको पता होगा इंक्यूबेटर सॉरी डायमंड रॉयल में आई थी, ये दोनों गाइस अभी रिसेंटली इंक्यूबेटर में आ चुके हैं गाइस। जहाँ गाइस आपको पता होगा आर्टिक ब्लू इंक्यूबेटर रिसेंटली आ चुका था रिटर्न, लेकिन मेरा पास जो गाइस फर्स्ट टाइम में जब आए थे तब भी मैंने निकाला था दो दो बंडल। जी हाँ गाइस, दो बंडल मैंने निकाले थे आर्टिक ब्लू के। एंड टॉप का निकालना रह गया था मेरे में, टॉप मैं टॉप वाला नहीं निकाल पाया था। ये आपको पता होगा फ्री वाला, ये भी गाइस ये FF टोकन से परचेस किया हुआ, ये फ्री वाला, ये भी फ्री। ये गाइस काफ़ी रेयर है अभी भी अगर देखा जाए तो, फैंटम समुराई हेड। जी हाँ गाइस, अभी भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इनक्यूबेटर में आई थी ये वाली। एंड इसकी जो चारों तीनों बंडल है काफ़ी ज़्यादा रेयर है गाइस। एंड ये भी समर हॉलीडेज, ये भी गाइस इवेंट से निकाली हुई थी, ये भी मैंने इवेंट में निकाली थी। इनफैक्ट ये वाला जो हेयर था एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेयर हुआ करता था, बट इसकी भी रेयरिटी ख़त्म कर दी गई। ये गाइस हमने आपको पता होगा ये वाला बंडल टक्सीडो जो गाइस आसानी से मिल जाता है। एंड उसके बाद गाइस ये वाला जो हेयर है मैंने स्टोर से परचेज करता था 150 डायमंड में। ये तो हो गई अपनी फ्री वाली, ये गाइस बहुत पुरानी है भाई, ये बहुत पुरानी चीज़ है। एंड ये भी गाइस एंशिएंट ट्राइब, ये भाई ये कोई बंडल का है बिल्कुल, ये वाला बंडल का। एंड ये भी फ्री में ही मिली थी गोल्ड रॉयल में, ये तो फ्री वाली हो गई, ये भी फ्री, ये भी फ्री। एंड ये हमारा किसान भाई, किसान भाई स्ट्रीट था, किसान भाई वाला बाल ये हमारा, ये फ्री। एंड ये भाई काफ़ी बढ़िया बाल था लेकिन मैंने कभी पहना ही नहीं आज तक, ये भी काफ़ी ज़्यादा रेयर था एक टाइम पे, हम यही पहन के झूलते रहते थे। एंड ये सुंदरिया देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया बाल इसके। एंड ये भाई देख सकते हो गाइस, किसान पार्ट टू, दूसरा किसान हमारा, ये हमारे चोर साहब। एंड ये हमारे खाना बनाने वाले क्या ही बोलते हैं भाई, बावर्ची। एंड ये भी टोपी टक्सीडो बंडल का। एंड ये वाला टोपी का इस एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेयर हुआ करता था, ये भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है। ये गाइस फ्री वाली, ये थोड़ी थोड़ी सीजन टू की आपको फीलिंग देगी, बताता हूँ कैसे, वो भी बता देता हूँ रुको एक मिनट, सीजन टू की फीलिंग कैसे देती है भाई ये भाई लिटरली थोड़ी बहुत देती होगी भाई, थोड़ी बहुत मजाक कर रहा था। चलो हेयर के कलेक्शन को ओवर करते हैं लास्टली, कहाँ गई कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे। हाँ चलो ये देखो गाइस, ये देख लो। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे हेयर की जो है कलेक्शन वो हो चुकी है ख़त्म। अब गाइस हम आते हैं यहाँ पर मास्क पर, तो मास्क मैं धीरे धीरे आपको दिखा देती हूँ, ये वाली कोबरा वाली। एंड ये इवेंट से निकाली गई थी, देख सकते हो मास्क भी धीरे धीरे। अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दूंगा फटाफट, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड वीडियो अभी भी 8 मिनट पर पहुँच गया है, हमारा कलेक्शन अभी तक सिर्फ अगर देखा जाए तो 1/3 ही हुआ है गाइस, 1/3 पे ही आए हैं अभी तक हमारे कलेक्शन में। ये देख लो गाइस फटाफट से दिखा दे रहा हूँ मैं, लाइट पास वगैरह। ये गाइस देख लो, दोनों बंडल काफ़ी ज़्यादा रेयर है। एंड ये भी काफ़ी बढ़िया रेयर बंडल, ये आपको दिखाऊंगा आगे, फिलहाल एक एक करके दिखा देता हूँ मास्क वगैरह जो भी मेरे पास है अपने जोकर भाई साहब। मनी हाइस्ट, देख लेते हो बनी भाई, आई थिंक इसमें आधे से ज़्यादा आइटम जो होंगे और फ्री वाले होंगे। ये वाला भाई इनक्यूबेटर
काफ़ी ज़्यादा रेयर था, बट एक टाइम पे रिटर्न आया, बट अभी भी रेयर है थोड़ा बहुत। एंड ये वाला बंडल गाइस, वाह क्या ही रेयर बंडल है। आपको पता होगा इसकी खोपड़ी सबसे ज़्यादा रेयर है। ये देख लीजिए गाइस, मास्क मेरे पास 1, 2, 3 धागे, 4, 5, 6 धागे, एक और नीचे होंगे वो भी दिखा देता हूँ। 7 मास्क है टोटल मेरे पास। तो आई थिंक यहाँ तक आपने कलेक्शन देख लिया है। एंड इसके बाद गाइस ये देख सकते हो थोड़े बहुत फ्री वाले आइटम्स में, ये वाला पेड़ है, ये भी फ्री में मिल चुका था इनफैक्ट। एंड अब हम शुरू करेंगे गाइस अपने कलेक्शन के साथ। तो ये देखो गाइस कोबरा बंडल, जिससे ये बात को पता होगा 4,500 डायमंड लगे थे इसमें। एंड ये वाला बंडल गाइस देख लो, इसमें मेरे ख्याल से 350 समथिंग डायमंड लगे थे। फिर उसके बाद ये वाला, इसमें भी 350 के आसपास डायमंड लगा था। ये तो डायमंड रॉयल है इलाइट पास। ये वाला बंडल में गाइस 600 समथिंग डायमंड लगे थे। ये फेडेड विल है, लास्ट में ही निकला था। एंड ये डायमंड रॉयल, ये वाला बंडल गाइस ये मेरे को निकला था 1500 डायमंड के आसपास में। एंड ये फिर से एक बार डायमंड रॉयल, ये वाला बंडल गाइस फिर से एक बार मैंने 600 डायमंड में निकाला था। ये फिर से आ गया डायमंड रॉयल पे। एंड ये हमारा हाईलाइट पास, ये वाला बंडल गाइस काफ़ी बढ़िया रेयर आइटम था एक टाइम पर, बट इसको भी रिटर्न में दिया था एक टाइम पे करीना ने। एंड ये वाले बंडल को निकालने में हमारा गाइस 1500 डायमंड मिल गए थे। ये फिर से आते हैं हाईलाइट पास वाले बंडल पे। एंड ये वाला बंडल गाइस 300 समथिंग डायमंड के आसपास निकला था मेरा। एंड ये वाला बंडल गाइस हैकर स्टोर के इवेंट से निकाला था मैंने। एंड ये वाला बंडल भी काफ़ी बढ़िया रेयर आइटम थे। ये भी गाइस मुझे याद नहीं 600 या 700 के डायमंड आसपास डायमंड। ये तो भाई फ्री चीज़ें देख सकते, फ्री वाली आइटम है। एंड इसके बाद ये वाला बंडल भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है। ये मैंने आपको बता दिया था 100 डायमंड के आसपास में निकला था मेरे को। ये डायमंड रॉयल का बंडल है। ये फिर उसके बाद दिवाली विश इवेंट से निकाला था, ये फ्री में मिला था। ये भी दिवाली विश इवेंट का ही बंडल है गाइस देख लो। ये अपना हाईलाइट पास। एंड इस बंडल को निकालने में गाइस 1500 डायमंड छूट दिए थे। इस पे आते थे, ये हमारा है डायमंड रॉयल। इस पे ये वाला बंडल गाइस 450 डायमंड निकल रहा। ये अपना फिर चाहते हाईलाइट पास पर। एंड माय गॉड, यहाँ पर देख लो गाइस लोकेश गेमर बंडल के नाम से फेमस है ये वाला बंडल जो भी है। एंड ये गाइस पूरा मैंने मतलब पूरा इवेंट कम्प्लीट करा था उस टाइम पे। ये वाला जो इवेंट पूरा कम्प्लीट करा था मैंने, स्पिरिट स्क्वाड करके इवेंट आया था पूरा। इसका मेल फीमेल दोनों बंडल मेरे पास है। एंड उसको पूरा करने में गाइस 4,500 डायमंड लगे थे ये लाइट पास। एंड ये भी लाइट पास, ये गाइस दिवाली विश है। ये अपना फ्री लाइट पास, लाइट पास अगेन। अपना पर्पल शेड बंडल राइ स्टार वाला, देन डेविल हंटर बंडल। फिर उसके बाद ये अपने लाइट पास, ये फ्री वाला। देन अपना ये स्टोर से परचेज किया हुआ, ये गाइस मैजिक क्यूब से निकाला हुआ। ये भाई एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब सब पहन के घुमा करते थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम। फिर उसके बाद आर्टिक ब्लू, यू नो अभी रिटर्न हुई है बीच में। ये हमारा पहला मैजिक क्यूब का बंडल। फिर उसके बाद नाइट क्लाउन। एंड ये ब्रेक डांसर बंडल भाई, देख लो भाई ब्रेक डांसर, लिटरली ब्रेक डांसर देख सकते हो। एंड उसके बाद गई ये इंक्यूबेटर। एंड ये तो गोल्ड रॉयल, ये तो गाइस आपको पता होगा फ्री में मिली थी सबको। एंड ये वाला बंडल देख लो, उसके बाद ये वाला बंडल देख लो। अभी के टाइम पर ये मेरा फेवरेट इसके साथ है। ये भी काफ़ी सस्ते में निकली थी, इसको तो गाइस लास्ट पिन में निकाला था फिर भी। एंड ये वाली बंडल भी 600 के आसपास डायमंड निकली थी। ये अपना CR7 का बंडल, ये फ्री इंक्यूबेटर देखिए। एंड ये अपना बंडल गाइस 600 के आसपास डायमंड लगे थे। मेरे एरिया में यही बंडल पे फ्री स्पिन मिला था मेरे दोस्त ने। ये अपना पेडेड बिल का, ये गाइस काफ़ी बढ़िया बंडल लगा था इस टाइम पर, मेरे को बहुत प्यारा था मेरे टाइम का। एंड ये अपना इंक्यूबेटर, ये फिर से गाइस मैंने निकाला था वहाँ पर, क्या बोलते हैं पेडेड बिल से, पेडेड बिल से। फिर से आते हैं इंक्यूबेटर पर, ये सारे फ्री आइटम्स है जैसे आप बोल रहे हो। ये गाइस इंक्यूबेटर के सेकेंड वाला बंडल था इस बार इंक्यूबेटर का। एंड ये मैंने इवेंट से निकाला था यहाँ पर, ये फेडेड बिल से। ये फिर अपना इंक्यूबेटर, ये उसी इंक्यूबेटर का सबसे नीचे वाला। एंड ये वाला बंडल गाइस काफ़ी ज़्यादा रेयर, काफ़ी ज़्यादा रेयर अभी भी माना जाता है ये वाला बंडल। ये तो गाइस फिर भी फ्री में मिला था। एंड ये दोनों जो गाइस आपको पता होगा रैंक टी शर्ट होते हैं। ये गाइस एक टाइम पे गोल्ड रॉयल में काफ़ी ज़्यादा रेयर माना जाता था। देन गाइस ये मेरा पहला हीरोइक टी शर्ट था, पहला हीरोइक, जी हाँ गाइस सीजन 14 में पहली बार हीरोइक पहुँचा था मैं। ये फिर एक और इवेंट का बंडल। एंड इसके बाद ये इंक्यूबेटर के बंडल जो कि फ्री में मिले थे। जी हाँ गाइस इंक्यूबेटर जो ये गाइस
इंक्यूबेटर फ्री में इंक्यूबेटर के बंडल ये बार एक्सचेंज करने को मिला था, आपको पता होगा इवेंट आया था। ये गाइज आर्टिक ब्लू के जो दोनों इंक्यूबेटर है देख सकते हो, इंक्यूबेटर जो आए थे उसके जो दोनों नीचे के बंडल थे वो ये हैं। उसके बाद गाइज ये ब्लैक शेड फैंटम समुराई काफ़ी ज़्यादा रेयर है गाइज अभी भी अपने इंडियन सर्वर में, एंड ये भी स्टोर से मैंने परचेज करा था ये वाला। ये गाइज डायमंड रॉयल है, ये वाला बंडल गाइज कोई इवेंट में मुझे निकला था रैंडमली, मुझे नहीं मालूम कैसे निकला था। ये अपना इंक्यूबेटर, ये फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर देख लो ये वाला बंडल, उसके बाद ये वाला बंडल देख लो गाइज, उसके बाद ये वाला बंडल गाइज काफ़ी ज़्यादा रेयर था। ये अपना रिच टैटू हो गया, एंड ये अपने ज़ॉम्बी समुराई बंडल, फिर उसके बाद ये देख लो गाइज शादियों में हम ये पहनाते थे। फिर उसके बाद ये गाइज ये हमारे मतलब स्क्वाड का एक टाइम पे बॉम्ब स्क्वाड जो होती थी हमारी उसकी सबसे खतरनाक सबसे पसंदीदा ड्रेस होती थी। उसके बाद ये हमारे गाइज प्रिय मित्र विक्की उनका गाइज बहुत ही फेवरेट ड्रेस है ये, एंड ये वाला बंडल भी एक टाइम पे बहुत हम पहन के घुमा करते थे। ये अपने मैगजीन का गेस्ट, ये गाइज गोल्ड रॉयल में मिली थी, एंड बाकी गाइज इसके बाद जब आ जाते हैं तो गाइज ये सब फ्री वाले आइटम्स होंगे जो इलाइट पास वगैरह में आपको मिल जाते हैं। ये देख लो फटाफट से दिखा देता हूँ यहाँ पर से मैं, ये तो आपको पता होगा फ्री में मिली थी सभी को, ये सब सारे जितने भी दिख रहे हो गाइज फ्री वाली ही है लिटरली अगर बताओ तो। एंड ये वाली बंडल गाइज मैंने इवेंट से निकाली थी, इसमें गाइज 600-700 डायमंड समथिंग लगे थे। ये वाला मैंने स्टोर से परचेज करा था, ये मेरा फेवरेट सिक्स पैक है गाइज, ये मेरा फेवरेट सिक्स पैक है, ये भी अगर देखा जाए तो मेरा फेवरेट ही होता, बट इसमें जो दो झाड़ लगे हैं ना गाइज काफ़ी ज़्यादा ये इरीटेट करते हैं। ये देख लो गाइज बावर्ची भाई हमारे, ये गाइज जो जैकेट एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेयर हुआ करता था, एंड बट इसको स्टोर में डालकर इसकी सारे रेयर जो चीज़ होते सबको हटा दिया गया मैंने। एंड इसके बाद ये वाला जैकेट जो मैंने स्टोर से लिया था गाइज, ये वाला जैकेट जो है इसका पैंट वगैरह अभी भी मेरे पास नहीं है। तो ये जो जर्सीज देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जी हाँ गाइज 8 जर्सी है यहाँ पर, एंड एक जो मैंने कोरिथिनास वाला फ्री स्टोर से लिया था, ये सारे टी शर्ट जो फ्री में मिलते थे इवेंट्स वगैरह में, एंड ये 9 जर्सी टोटली मेरे पास आप देख रहे हो। एंड ये गाइज देख सकते हो स्टोर से लिया मैंने रिसेंटली 150 डायमंड में, ये भाई एस के साबिर के टाइम पर मैंने ली थी, बहुत ही ट्रेंड थे एस के भाई साबिर भाई उस टाइम पे, ये भी फिर स्टोर से उठाया था, एंड ये वाली भी बंडल काफ़ी ज़्यादा चली थी उस टाइम पर। बाकी गाइज नॉर्मल यहाँ पर कलेक्शन है, एंड अभी तक गाइज यहाँ पर 16 मिनट पर निकल चुका है वीडियो। तो यहाँ तक गाइज हमारा बंडल का जो कलेक्शन था ओवर हो चुका है, अब पैंट के कलेक्शन पे आ जाते हैं। पैंट गाइज फटाफट से दिखा देता हूँ यहाँ पर बिना किसी देरी के, क्योंकि वही सारे पैंट है जो बंडल अभी आपको दिखाया उसके, एंड इस पर ज़्यादा गाइज बात नहीं करेंगे, एंड मैं आपको अपनी फेवरेट बता दूंगा जो भी मेरा फेवरेट पैंट है, एक ही मेरा फेवरेट पैंट है इसमें एक या दो, ये अपना ब्रेक डांसर पता ही होगा आपको सबको। रिसेंटली भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, आई थिंक 2 पार्ट में मुझे कलेक्शन बनाना पड़ेगा, अपना गन कलेक्शन अलग दिखाना पड़ेगा। ये देख लो गाइस फटाफट से मेरे पैंट का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड ये जो है गाइस मेरा फेवरेट पैंट है भाई ये जी हाँ गाइस, ये वाले कुछ जर्सी वाले पैंट फटाफट से गाइस दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो फटाफट फटाफट बहुत ही ज़्यादा है भाई, मतलब लिटरली भाई 2-2.5 साल की मेहनत है ये पूरी। एंड जूते की कलेक्शन देख लेते हैं फटाफट से, जूता देख लो गाइस जूता कितने रो है गाइस वो काउंट करते हैं यहाँ पर, 51 रोज है गाइस, जिसमें 51 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो गाइस, 51 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 51 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई थिंक 153, एंड ये दो नीचे वाले 155 टोटल शूज़ है मेरे पास यहाँ पर, 155 टोटल शूज़ हैं। एंड अब आते गाइस एट द लास्ट बंडल्स पे, तो ये तो आपको पता ही होगा फ्री में मिला था फैंटम बियर बंडल, ये मनी हाइस्ट गाइस ये है 1700 डायमंड में निकाला था मैंने, सस्ता क्रिमिनल
एंड ये भाई अपने इंडियन सर्वर में अब तक का सबसे ज़्यादा रेयर बंडल है। जी हाँ गाइस, मैं बता रहा हूँ। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ भाई, ये बहुत पहले आया था गाइस, आई थिंक समथिंग अब इस बंडल को आए 2 साल हो गए। जी गाइस, गेम में 2 साल पहले ये बंडल आया था एंड ये बंडल गाइस काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा था उस टाइम पर। एंड बहुत कम लोग भाई, लिटरली 10% या 15% लोग होंगे अपने इंडियन सर्वर में जिन पर ये बंडल होगा। एंड उसके बाद से ये बंडल कभी भी रिटर्न में नहीं आया। इसका नाम है गाइस स्कल हंटर। तो गाइस ये बंडल इतना रेयर क्यों है मैं बता देता हूँ। ये गाइस देख सकते हो आप लेवल 1 पे कुछ ऐसा दिखता है। कैसे गाइस, यहाँ पर आप जब गेम में उतरोगे तो स्टार्टिंग में ये रहेगा बंडल। जैसे गाइस आप एक किल करोगे यहाँ पर वो बंडल अपग्रेड हो जाएगा एक किल के साथ एंड ये लेवल 2 पर आ जाएगा। इसके बाद गाइस 2 किल अगर आप करते हो, 2 किल और करते हो तो यहाँ पर ये बंडल अपने मैक्स लेवल पर आ जाएगा, गाइस लेवल 3 पर आ जाएगा। एंड ये गाइस काफ़ी ज़्यादा रेयर बंडल है इसी चीज़ के लिए। फिर गाइज ये आते हैं ये वाले बंडल पर, काफ़ी ज़्यादा मैड ब्रिकमैन ये वाला बंडल। देन गाइज ये मनी हेस्ट का एक और बंडल। ये गाइज ब्लू फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा रेयर था एक टाइम पर ब्लू फिनिक्स। एंड ये गाइज ये जो भी भूल जो भी गाइज याद रखते हो इसको भूल जाओ एक बुरे सपने की तरह। ये वाला जो बंडल है ग्रीन क्रिमिनल, बुरा सपना ही बंडल है गाइज ये। उसके बाद गाइज ये वाइट ईगल काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था एक टाइम पर हमारी पूरी स्क्वाड का। एंड ये वाला बंडल गाइस इवेंट में आया था आपको पता होगा। एंड ये हमारा ब्लैक ईगल बंडल। एंड बाकी गाइस यहाँ पर फीमेल का जो कलेक्शन है उस पर मैं ज़्यादा ध्यान बताऊँगा नहीं, ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं। एंड बाकी गाइस यहाँ पर जो गाइस कलेक्शन वीडियो हमारा गाइस सिर्फ वॉल्ट का अगर देखोगे तो 20 मिनट हो चुके हैं। तो आई थिंक इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो हमारा गन कलेक्शन होगा। गन कलेक्शन में आपको उसमें बताऊँगा मेरे गन कलेक्शन में आप क्या क्या गन कलेक्शन मेरे क्या क्या वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। तो गाइस सेकेंड पार्ट के लिए आपको गाइस इस पर क्या करना है इस वाले वीडियो पे गाइस इस वाले वीडियो पे लिटरली गाइस ज़्यादा नहीं गाइस सिर्फ 55 लाइक्स कंप्लीट कर देने 55 लाइक अगर इस वाले वीडियो पे हो जाते हैं तो मैं गन कलेक्शन की जो वीडियो अपलोड कर दूंगा गाइस। गन कलेक्शन की जो वीडियो है 55 लाइक्स पर अपलोड हो जाएंगे एंड आप लोग को देखना गाइस 55 लाइक्स कंप्लीट कर पाओगे या नहीं आप लोग। एंड गन कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है हमारी अगर देखोगे तो। तो आई थिंक यहाँ पर तक जो कलेक्शन देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। एंड मिलते हैं पार्ट 2 वाले वीडियो में जहाँ पर मैं आपको गन कलेक्शन दिखाऊंगा एंड इसकी गई मेरे ख्याल से 4 पार्ट में मेरे कलेक्शन आपको पूरी देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2।